हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ओपन सेट एंड क्लोज सेट। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ओपन सेट क्लोज सेट की डेफिनेशन एवं सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम पे डिस्कशन किया था हमने, वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आके देख सकते हो। इसमें फ्रेंड्स कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो ओपन सेट और क्लोज सेट के कुछ रिलेशंस होंगे। कंसिडर आ सेट एस सबसेट ऑफ आर, ये सेट है एस जो कि सबसेट ऑफ आर है। इफ एस इज ओपन, एस जो अगर ओपन है, देन इट्स बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑल आउटसाइड एस। अगर एस कोई सेट एस ओपन है तो उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स जो होंगे वो आउटसाइड ऑफ एस होंगे, या हम कहेंगे इसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स जो होंगे वो सबसेट होंगे एस कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, लेट एस जो है ओपन सेट है, ओपन सेट है हमने एज्यूम कर लिया, और लेट एक्स बिलोंग्स टू एस इज एन बाउंड इज अ बाउंड्री पॉइंट, कोई एक बाउंड्री पॉइंट है ऑफ एस। यानी कि हमने ले लिया कि एस एक्स जो है एक एस से बिलोंग कर रहा है और वो इसका बाउंड्री पॉइंट है। देन उस केस में हमारे पास नेबरहुड ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। नेबरहुड ऑफ एक्स जो होगा वो जो कि बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट का नेबरहुड फ्रेंड्स क्या होता है? वो कुछ पार्ट जो हमने पहले पढ़ा था, नेबरहुड का कुछ पार्ट जो होता है वो एस में होता है, और कुछ पार्ट सम पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट जो होता है एस कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो यहां से हमारे पास ये हो गया कि चूंकि एस कॉम्प्लीमेंट में कुछ पार्ट है, जो एस कॉम्प्लीमेंट में से मतलब एस में नहीं है वो पार्ट, तो इसका मतलब हो गया एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन जो नेबरहुड था इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स, सॉरी नॉट अ सबसेट ऑफ एस, ये एस का सबसेट नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? और चूंकि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एस कर रहा है, और एस जो है ओपन है, और ओपन सेट के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि ओपन सेट में हर सेट का नेबरहुड ऑफ एक्स जो होता है वो सबसेट ऑफ एस होता है ओपन सेट में। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हमारे पास एक्स जो है वो एस का पॉइंट नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसके जो सारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो इसके एस में ना करके एस कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो हमने ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि डेल एस यानी इसके बाउंड्री पॉइंट्स जो होंगे वो एस सी में होंगे। अब अगर एस सी के बाउंड्री पॉइंट्स की बात करें, बट रिकॉल दैट द बाउंड्री ऑफ एस इज द सेम एज द बाउंड्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बाउंड्री ऑफ इसकी बाउंड्री जो होती है वो सेम होती है बाउंड्री ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्स की, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो इस बाउंड्री पॉइंट्स के जो ये होंगे ये सबसेट होंगे एस सी। तो बट एस सी क्या है? क्लोज सेट। तो यहाँ से एक प्रूफ हो गया हमारे पास कि क्लोज सेट में हमारे पास सारे बाउंड्री पॉइंट्स जो होंगे उसी के सबसेट होंगे। विच मीन दैट एस सी कंटेन ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट, बट दिस मीन दैट एस सी इज क्लोज। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास एस सी जो है क्लोज है, यानी अगर यहाँ से हो गया हमारे पास, अगर एस जो है ओपन है, एस ओपन है तो इम्प्लाई करेगा एस सी जो होगा वो क्लोज सेट होगा। इसी के साथ इसका अपोजिट भी ट्रू होता है फ्रेंड्स हमेशा, अगर एस सी ओपन है तो एस जो होता है क्लोज होता है, एस सी यानी एस कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया, इफ अ सेट इज ओपन देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका कन्वर्स भी ऑल्सो ट्रू है, जो अभी हमने ये बताया, कन्वर्स भी ऑल्सो ट्रू है हमेशा। यहाँ पे अभी एक थ्योरम बनती है हमारे पास, अ सबसेट ऑफ आर स्टार इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज। इस थ्योरम को भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, एस
ओपन है यहाँ पे, एस ओपन है, तो हमें प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्लोज होगा। तो अब इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स की, जैसे अभी पहले बात की थी हमने, लेट एक्स इज अ बाउंड्री पॉइंट। अब ये बाउंड्री पॉइंट है तो ये पॉइंट जो होना चाहिए ये इसके कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सपोज एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एस है, यानी कि ओपन सेट में हमने ये ले लिया, तो उस कंडीशन में हमारे पास इसका नेबरहुड ऑफ एक्स जो होगा उसका कुछ पार्ट क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है, एक्स जो है बाउंड्री पॉइंट है, तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो एस में होगा और कुछ पार्ट जो होगा एस सी में होगा। बट अगर ऐसा होगा तो नेबरहुड ऑफ एक्स जो है वो डज नॉट सबसेट ऑफ एस, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि इस एक्स का जो नेबरहुड है वो एस में सब नहीं है, इसका मतलब एस जो है नॉट क्लोज, नो नॉट, तो नो एस नॉट क्लोज बट सॉरी नॉट ओपन बट एस जो है वो ओपन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हमें सेकंड भी प्रूव करना है कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, यानी एस सी जो है वो क्लोज है, क्लोज है, तो हमें प्रूव करना है कि एस जो है वो ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू एस सी ये हमने ले लिया। अब एक्स बिलोंग्स टू एक्स सी है तो अब हमें शो करना है कि इस कंडीशन में कि क्लोज के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। क्लोज के लिए होती है हमारे पास इसके सारे लिमिट पॉइंट जो होने चाहिए वो एस सी में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, और साथ में अगर कुछ पॉइंट्स अगर उनका नेबरहुड जो है अंदर मिल रहा है तो वो अंदर वाले पार्ट है इससे, तो हमें सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स की बात करनी है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस सी इम्प्लाई उसी तरह से, जो एक्स जो है वो बिलोंग्स टू एस सी कर रहा है, तो यहाँ से नेबरहुड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस डेल एक्स प्लस डेल एप्सिलॉन, तो इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट होगा वो उसके लिए हमारे पास कुछ जो पार्ट होगा वो एस का होगा, कुछ पार्ट होगा वो एस सी का होगा। तो जो नेबरहुड पॉइंट होगा जो कि बाउंड्री पॉइंट होगा, तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये एक्स पॉइंट जो है वो एस सी में हो, चूंकि ये क्लोज है, ये क्लोज है तो एक्स इसमें ऑलरेडी कंटेंट कर रहा है, ऑलरेडी मर्ज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एस सी जो कि इसका बाउंड्री पॉइंट था। तो इस तरह से इस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ कुछ एक्सरसाइज है, कंसीडर द ओपन सेट 1 5, चेक दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट इफ क्लोज्ड, ये हमें सॉल्व करना है। कंसीडर द क्लोज सेट 4 इनफिनिटी सो दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और अगर डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।